है एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज न्यू एग्जीक्यूशन वीडियो सो आज का डेट है ट्वेंटी एथ ऑफ जुलाई लास्ट सेशन ऑफ़ द वीक फ्राइडे एंड करेंट टाइम इज़ टू डॉट जीरो एट पी एम सो आज का मार्केट कंडीशन देखेंगे तो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट में कल के मोमेंटम के बाद आज का मार्केट यहाँ पर कंसिडर किया गया है सो so, लास्ट सेशन वीडियो में अगर देखेंगे आज के दिन भी यहाँ पर मैं मार्किंग्स को करूँगा कि हमने मेजर ओवरव्यू को कल के दिन डिफाइन किया कि बाइंग साइड का है मेजर ओवरव्यू के बाद शॉर्ट टर्म अगर व्यू देखेंगे थ्री फोर डेज का मोमेंटम देखेंगे सो आफ्टर दी क्रिएशन ऑफ ऑल टाइम हाई मार्केट्स यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट रैली को कंटिन्यू किया है सो आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट रैली यहाँ पर मार्केट्स ने सपोर्ट स्टैब्लिश किया इसके बाद रिसेंट डेज पर देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अगेन कंटिन्यूशन ऑफ द मेजर साइड ओवरव्यू यहाँ पर नहीं कर पाया है तो जनरल देखिए एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर मेजर ओवरव्यू बाइंग है शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट हो गया सपोर्ट बन गया और बाइंग साइड का क्लोजिंग आया है तो कल के दिन भी जैसे हमने बाइंग साइड का एक ट्रेड वहाँ पर प्लान किया बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट विल बी कंटिन्यूंग ऑन टू द बाइंग साइड सो कल का रेंज मार्किंग देखेंगे तो रजिस्टेंस फेस यहाँ पर मार्केट किया इसके बाद मेजर रेंज में एक्सपेक्टेड होता है कि मेजर ओवरव्यू अगर बाइंग साइड है तो कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑफ नहीं होगा बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर कल का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो मार्केट पूरा हायर साइड ऑफ द रेंज से कंटिन्यूस एक ट्रेंडिंग नेगेटिव मार्केट कल के दिन देखने को मिला एंड मार्केट अपने इस छोटे रेंज के यहाँ पर लोअर लेवल्स पर आ गया है सो आई ऑलवेज से लास्ट वीडियो में ये में मैंशन किया गया कि अगर मार्केट अपने मेजर रेंज के हायर लेवल्स पर होगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस बाइंग साइड के ट्रेड को होता है एंड जैसे कि प्राइसेस कल के दिन पूरा रिवर्स हो गया है सपोर्ट लेवल पर आ गया है तो अब सेल साइड के ट्रेड को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा सो so इसी बेसिस पर अगर आज का एक्सपेक्टेशन देखेंगे आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया सो so एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल इस पोस्ट का टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग इज़ अराउंड से टेन डॉट फोर्टी टू एम तो टेन डॉट फोर्टी टू एम तक अगर मार्केट कंडीशंस को देखेंगे तो प्राइसेज इंट्राडे का ये पर्टिकुलर रेंज का क्रिएशन यहाँ पर क्रिएट किया प्राइसेस सबसे पहला स्विंग सेलिंग साइड का क्रिएट किया बायर ट्राइड टू पुश द मार्केट हाई बट रेजिस्टेंस लेवल जो इंट्रा डे का हाई है देखेंगे यहाँ तक मार्केट पुश नहीं कर पाया लोअर हाई क्रिएशन के साथ अगेन मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग किया तो जैसे कि मैंने कहा कि मेजर ओवरव्यू सेल बाइंग साइड का है बट शॉर्ट टर्म अगर रेंज में देखेंगे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट रेंज के लोअर लेवल्स पर परफॉर्म कर रहा है तो प्रिफरेंस कौन सा होगा सेलिंग साइड के ट्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा सो so इसी बेस पर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट सबसे पहला ओवरव्यू देखेंगे तो बियरिश बिलो रेजिस्टेंस नेगेटिव ओवरव्यू को यहाँ पर शेयर किया गया कि ये रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट प्रोसीड नहीं कर पाया है एंड एक्सपेक्टेशन इज की बियरिश बिलो दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सो इसी पर्टिकुलर बेस पर देखेंगे तो मार्किंग को भी यहाँ पर मैंने मार्क किया कि किस तरह का प्राइस बिहेवियर एक्सपेक्टेड है स्विंग एक्सपेक्टेड है तो देखेंगे तो यहाँ पर एरोज को मार्क किया गया है कि एक्सपेक्टेशन इज की लोअर हाई क्रिएशन के साथ अगेन प्राइसेस यहाँ पर लोअर रेंज को मार्क करेगा तो लोअर हाई का मार्किंग यहाँ पर एरोज़ के साथ मैंने मार्क किया नोट देखेंगे तो इफ़ प्राइस फेल्स टू टेस्ट रेजिस्टेंस देन विद अ लोअर हाई क्रिएशन सपोर्ट ब्रेकडाउन इज एक्सपेक्टेड सो एज वी कैन सी आज के दिन अगर देखेंगे तो प्राइसेस यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल तक प्रोसीड नहीं कर पाया है इस चार्ट पर भी मैं मार्किंग को करूँगा तो दिस इज दी रेजिस्टेंस लेवल ये सपोर्ट मार्किंग यहाँ पर किया गया इसके बाद देखेंगे तो यहाँ ये पर्टिकुलर मोमेंटम में मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक प्रोसीड यहाँ पर नहीं कर पाया है सो so, इसी बेस पर जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस हुआ और एक नेगेटिव हेल्दी कैंडल क्लोजिंग देखेंगे तो ये एग्रेसिव या पेस ऑफ मोमेंटम जिस तरह का सेलिंग साइड का क्रिएट हुआ है इज आ कंफर्मेशन फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड कि मार्केट ओवरव्यू के साथ अलाइन हो गया शॉर्ट टर्म रेंज में भी देखेंगे तो नेगेटिव बिहेवियर आया एंड मेजर रेंज देखेंगे तो बाइंग साइड भले था इसके बाद शॉर्ट टर्म रेंज में वैसे ही मार्केट पहले से नीचे लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है सो मोर प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन टू द सेलिंग साइड इसके बाद आज के दिन भी देखेंगे तो नेगेटिव बिहेवियर इंट्राडे रेंज का या जो हॉल्ट एनालिसिस कहा जाता है ऑलवेज से जो लेवल ज़्यादा टेस्ट होगा उसके ब्रेकआउट का चांसेस होता है तो इंट्रा डे रेंज भी देखेंगे हॉल्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो सेलिंग साइड का कन्फर्मेशन आ गया सेलिंग साइड का कन्फर्मेशन देखेंगे तो लोअर हाई क्रिएशन इसके बाद जैसे ही ये हैवी कैंडल क्लोज हुआ तो इज़ इस कन्फर्मेशन कि लोअर हाई ये वाला कन्फर्म हो गया है तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज की मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन को आज के दिन यहाँ पर क्रिएट करेगा सो so इसी बेस पर देखेंगे तो आज का पोजिशन नाइनटीन का पुट ऑप्शन लिया गया वीकली एक्सपायरी लिया गया क्योंकि देखिए स्टार्ट ऑफ द मंथ है स्टार्ट ऑफ़ द मंथ में क्या होता है प्रीमियम प्राइसेज ज़्यादा होगा मंथली एक्सपायरी का और उतना ज़्यादा वहां पर क्वांटिटी या वॉल्यूम्स देखेंगे तो नहीं होगा तो so यहां पर इसी बेस पर वीकली एक्सपायरी को सिलेक्ट किया गया प्रीमियम प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल मिला एंट्री पोजीशंस देखेंगे तो यहाँ पर आज का एंट्री लिया गया है इलेवन डॉट ट्वेल्व ए एम पर एवरेज प्राइस देखेंगे तो एटी सेवन का एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट वन हंड्रेड वन तक पोजीशंस को होल्ड किया गया है तो फोटीन पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर बुक किया गया है टेन ऑर्डर्स देखेंगे तो टेन ऑर्डर्स प्लेस किया गया है आइसबर्ग ऑर्डर है एक ऑर्डर का लिमिट एटीन हंड्रेड क्वान्टिटीज़ है तो एटीन थाउजेंड क्वान्टिटीज़ को प्लेस किया गया है सो एंट्री एंड एग्जिट कैंडल्स यहाँ पर मैंने मार्क किया है जैसे ही सेलिंग आया रिट्रेसमेंट आया अगेन कंटिन्यूशन हुआ तो एंट्री पोजीशन को बनाया गया है इसके बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही एक्सपेक्टेड टारगेट रेशियो मीट हुआ है तो पोजीशंस को यहाँ पर एग्जिट किया गया है सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो और अच्छे से चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी सो so, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइमिंग्स का मार्किंग किया हुआ है तो ये हमारा एंट्री प्राइज़ है जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के हाइस को ब्रेक किया रिट्रेसमेंट के बेस पर 87 के एवरेज प्राइस पर एंट्री को प्लान किया गया है इसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन ऑफ द बाइंग साइड एंड जैसे ही रिजेक्शन या ब्रेकआउट के बेस पर यह पर्टिकुलर कैंडल में मोमेंटम को एग्ज़िट किया गया है सो so 101 का देखेंगे तो एवरेज प्राइस का टारगेट यहाँ मिला है हालांकि एग्जिट के बाद भी देखेंगे तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम क्विक मोमेंटम 101 वन से देखेंगे तो मोर से सेवन पॉइंट्स का सिक्स पॉइंट का और ज़्यादा मोमेंटम बाइंग साइड का क्रिएट किया बट नो वरीज कोई भी पूरा मोमेंटम टॉप हाई को कैच नहीं कर सकता है ब्रेकडाउन आने पर सफिशिएंट हमारा टारगेट रेशियो मीट हुआ तो आज का पोजिशन यहाँ पर एग्जिट किया गया है तो एक अच्छे टारगेट्स अराउंड से टू लैक फिफ्टी थाउजेंड को आज के दिन हमने यहाँ पर बुक किया एंड इसका अपडेट देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर भी आज के दिन यहाँ पर दिया गया सो रेगुलर लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कोर्सेज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चाहे तो वहाँ से कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो till that bye to all and see ya